हेलो दोस्तों दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है स्टडी इंडिया। यहाँ पर जीके का क्वेश्चन और आंसर हम लोग लाते हैं। तो आज का ये नया सेशन है, ये यहाँ पर 50 क्वेश्चन का ये जीके है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तो चैनल को लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, इन हुई डे इज़ द नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। अब सही आंसर जो होगा वो होगा नेशनल यूथ डे का सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन व्हिच डे स्वामी विवेकानंद बर्थडे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे कब है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी एंड ऑप्शन डी 25 जनवरी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये देख लीजिए ऑप्शन ए 12 जनवरी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी काफ़ी बार आया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया हुआ है इन हुज डे इन द आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 18 जनवरी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी 5 जनवरी, ठीक है। ये देख लीजिए 5 जनवरी ऑप्शन बी, ठीक है। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर पूछा गया है इन हुज डे इन द तीसरा डे, तीसरा डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 6 सितंबर, ऑप्शन डी 11 सितंबर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को तीसरा डे मनाया जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 50, यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास सही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और आप वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो आपको आप लाइक कर सकते हैं, और बुरा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना क्या अगला एपिसोड आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। अब रहे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर पूछा गया है इन हुज डे इन द गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। इन हुज डे इन द गुड गवर्नेंस डे, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 9 जून। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ये देख लीजिए गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, ठीक है। सही आंसर होगा 25 दिसंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन हुज डे इन द ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 12 दिसंबर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 बार इस क्वेश्चन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम आया था वहाँ पर आया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोगों का कमेंट भी आता था कभी कभी, सर अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कब है? तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, इन हुज डे इन द अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 जुलाई, ऑप्शन बी 6 जुलाई, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 9 जुलाई। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई। 4 जुलाई का जो दिन है वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है इन हुज डे इन द रिपब्लिक डे,
ठीक है, ये तो आसान सा सवाल है, आप सब लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 12 जून। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को दो बार रेलवे में आया था ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट, वो कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी शेरपा टेनजिंग, ऑप्शन सी रेखा शर्मा, सॉरी रेखा कुमारी, ऑप्शन डी अनिल सिंह। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी शेरपा टेनजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी दो बार आया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर पूछा गया है, इन व्हिच डे इज द इंडियन इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन फिर भी दिया हुआ है, ऑप्शन ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अगस्त। ठीक है, सही आंसर जो होगा वो सबको मालूम है, 5 अगस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी जेम्स मेनोर, ऑप्शन सी गोरगा वाशिंगटन एंड ऑप्शन डी जॉन एडम्स। सही आंसर जो होगा वो होगा गोरगा वाशिंगटन। इस क्वेश्चन को दो बार यूपीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर पूछा गया है, इन व्हिच कंट्रीज द फर्स्ट प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहला कौन सा देश था जिसने पहली बार संविधान बनाया था दुनिया के सामने अपने संविधान बनाया था। वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का पहला कौन गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है शाह जफर, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी जॉइन बियर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली बिनूर। सही आंसर जो होगा वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस ये जो 50 जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है, ये क्वेश्चन तीन दिन मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद ही उसको मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं वीडियो बना कर आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल ले आओ उसके बाद वीडियो बना दो और हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बार जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ये होगा ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न, भारत का सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न, वो कौन सा पहला खिलाड़ी था जिसने पहली बार भारत रत्न मिला था। वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी हिमा दास। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को पहली बार, ऐसा पहली क्रिकेटर है जिसको पहली बार भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, भारत का पहला महिला वैदेशिक मंत्री कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी रीता फारी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भारत का पहला महिला विदेश मंत्री था। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो बार रेलवे में आया था। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन फॉरेन मिनिस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। ठीक है, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहला लेडी यानी कि पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, इंडिया का पहला मिनिस्टर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द, यहाँ पर फर्स्ट आना चाहिए था, गलती से पूछा गया फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, भारत का पहला महिला आईपीएस ऑफिसर कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एवर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत का पहला महिला आईपीएस अफसर था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ आईएलओ, आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी ए एन बी आर कार। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ये होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, वो होगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर एस्टेब्लिश इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1937 एंड ऑप्शन डी 1998। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 1919। ये देख लीजिए, देखिए 1919 को आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी ब्राज़ील। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जेनेवा। ठीक है, फिर देख लीजिए जेनेवा, आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ आईएईए, आईएईए का फुल मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑटोफुल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ऑटोमिक एंगेज एजेंसी, ऑप्शन डी इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस का जो पैसा है उसको क्या बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पैसो, ऑप्शन बी बेथ, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी टाका। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए पैसो, PISO। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असम का जो APSC का जो एग्ज़ाम आता है वहाँ पर इस क्वेश्चन को दो बार दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, जो फिलीपींस है उसका राजधानी क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी ढाका एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए मनाली। मनाली जो है वो है कैपिटल, फिलीपींस का कैपिटल हो मनाली। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पर, यहाँ पर पूछा गया है
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का राजधानी क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी ढाका एंड ऑप्शन सी ढाका एंड ऑप्शन डी टोक्यो। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए बीजिंग। चाइना का जो कैपिटल है उसको उसका नाम है बीजिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 25 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर एस्टैब्लिश WTO, WTO कब स्थापित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1919 एंड ऑप्शन डी जो है वो है 1992। सही आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी 1995। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कब स्थापित हुआ था? 1995 पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जेनेवा। ठीक है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय कहाँ है वो होगा जेनेवा, ऑप्शन ए। ठीक है, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ WTO, WTO का फुल मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ए, ये देखिए। ठीक है, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNDP। ठीक है, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जापान। सो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, न्यूयॉर्क। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है, मुख्य कार्यालय वो न्यूयॉर्क में है, स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस NATIONS नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ WHO, WHO का फुल मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी ऑल ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 31 पर, यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर एस्टैब्लिश द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ था, कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1995। सही आंसर जो होगा वो होगा 1948, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, फिर भी एक बार दे देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब रहे क्वेश्चन नंबर 23 पर, सॉरी 32 पर। ठीक है, इन विच ईयर एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सॉरी एजेंसिया आना चाहिए था, यहाँ पर कुछ गलत आ गया, कोई बात नहीं, एजेंसी कब स्थापित हुआ था, कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957 एंड ऑप्शन डी 1952। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 1957। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेलवे डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल वहाँ पर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IAEA, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी हाइनन। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी हाइनन। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का जो बुक था वो किसने लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हु इज ऑथर ऑफ द बुक एनाटोबायोग्राफी किसने लिखा था, वो होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इज ऑथर ऑफ द बुक डच कैपिटल, डच कैपिटल का लेखक कौन है। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, यानी कि आंसर है कार्ल मार्क्स। लिख लीजिए, डच कैपिटल का लेखक कौन है, वो है कार्ल मार्क्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवर ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवर ऑफ इंडिया किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर एस्टैब्लिश एनसीसी, एनसीसी कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। सही आंसर जो होगा वो होगा 1948। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है एनसीसी वाला 37 क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन को असम पुलिस में दो बार दिखा गया था। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर दो बार इस क्वेश्चन को लाया गया था, यानी कि ये क्वेश्चन कभी कभी आता भी है। ठीक है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब रहे क्वेश्चन नंबर 38 पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ट्रुथ, माई ट्रुथ नाम का जो बुक था उसका लेखक कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। सही आंसर जो होगा वो होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी माई ट्रूथ। ठीक है, वो देख लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ट्रूथ, माई ट्रूथ किसने लिखा था, इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग आते हैं, इन विच ईयर वाज एस्टैब्लिश CBI, CBI कब स्थापित हुआ था। CBI के फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है,
इन विच आर एस्टेब्लिश सीबीआई, सीबीआई कब स्थापित हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1947। सही आंसर जो होगा वो होगा 1953, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एक बार देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन ए जो है वो है सही आंसर। सीबीआई कब स्थापित हुआ था, इन विच आर एस्टेब्लिश सीबीआई 1953, आंसर जो होगा वो होगा 1953, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आते हैं। इन विच आर एस्टेब्लिश आसाम राइफल्स, आसाम राइफल्स कब स्थापित हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1948 एंड ऑप्शन डी 1836। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 1836, ऑप्शन सी जो है 1836 ए आंसर है, सही आंसर है। आसाम राइफल स्थापित हुआ था 1836 को एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन विथ फ्रीडम, इंडियन विथ फ्रीडम का लेखक कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी बिल गेट, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है उसने इस किताब को लिखा था, इंडियन विथ फ्रीडम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 41 का जो ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यहाँ पर पूछा गया है हुज कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, वो कौन सा देश है जो परमानेंट मेंबर, यानी कि आपका जो परमानेंट मेंबर नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सही आंसर जो होगा होगा जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, सही आंसर है। जर्मनी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सार्स, सार्स में कितना कंट्रीज रहता है, हाउ मेनी कंट्रीज। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 10। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 8 कंट्रीज। ठीक है, सार्स में 8 मेंबर कंट्रीज होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 44 पर। यहाँ पर पूछा गया है फॉर इज द फुल मीनिंग ऑफ ओके, ओके का फुल फॉर्म क्या है, ऑल करेक्ट, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑल करेक्टेड, ऑप्शन सी नॉन ऑफ एबव। ठीक है, सही आंसर जो होगा वो आप सभी लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को UPSC में काफ़ी बार लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑल करेक्ट। ठीक है, फॉर द फुल मीनिंग ऑफ ओके, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल करेक्ट। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 45 पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच डे इज द सेलिब्रेटेड बाय द किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन 25 दिसंबर। यहाँ पर दो ही दिया हुआ है, ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, सॉरी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य कब इन भारत में स्थापित किया था। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी श्री गुप्ता, ऑप्शन डी एम डी सादुल्ला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। सही आंसर जो होगा वो सबको पता है, क्योंकि बाबर ही है मुगल एम्पायर भारत में पहली बार स्थापित हुआ था। ठीक है, फाउंडर था। अब है क्वेश्चन नंबर 47 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मयूर, चंद्रगुप्त मयूर का ग्रैंडसन कौन था। ऑप्शन ए एम डी सादुल्ला, ऑप्शन डी सार गुप्ता, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अशोक। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी अशोक, चंद्रगुप्त मयूर ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मयूर वो होगा अशोक। सही आंसर जो है ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सार गुप्ता, ऑप्शन डी उस्ताद ईसा। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए
कुतुबुद्दीन आइबा, देख लीजिए कुतुबुद्दीन आइबा, ठीक है। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 49 पर, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो राजधानी क्या है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिसपुर एंड ऑप्शन डी ईटानगर। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल यानी कि राजधानी है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है। ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी ईटानगर। सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी ईटानगर, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, मैं और एक नया सेशन ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और इतने समय देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना भाई का ही चैनल है, ठीक है। अगर आपका कुछ कमेंट है या फिर कुछ सवाल है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में, मेरा कमेंट चैनल का कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पर लिख दीजिएगा, मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।